अस्सलामु अलैकुम, मैं रमीज़ मखदूमी बस बाइट्स इलेक्शन कारवान के तीसवें एपिसोड में कांगन की ज़मीन पे, जहां एनसी का गढ़ एक ज़माने में हुआ करता था, आज एनसी और पीडीपी की डायरेक्ट फाइट है। चाहे वो गुजर कम्युनिटी के वोट्स हो या कश्मीरी कम्युनिटी के वोट्स हो, कंगन उसके लिए जाना जाता है। भाईचारा भी है यहाँ पे, लेकिन मुकाबला भी सख्त है। तो यहाँ छून में हम आए हैं, जहाँ पे 65% से ऊपर की पोलिंग हो चुकी है। कंगन से आता है मामर से नीचे वाला इलाका। आपका नाम? सर, मेरा नाम खालिद रशीद है। तो क्या मसले हैं कंगन में? सबसे पहले अगर हम बात की जाए, तो इस बारी जो हैवी मार्जिन में ये वोटिंग जो हो रही है, तो ये अगर हिसाब से देखें तो ये किस लिए पड़ रही है ये वोटिंग पड़ रही है। जब 10 साल हमें डेमोक्रेसी से महरूम रखा गया, बहरूम यानी कि हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमें पीछे रखा गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक छीना गया, इसके खिलाफ पड़ रहा है। सबसे पहला वोट इसी के खिलाफ पड़ रहा है। इसमें इस टाइम ये नहीं देख रहे हैं लोग कि हम वोट डेवलपमेंट या कि, ये सबसे बड़ा मसला यही है सर। जो न्यू और क्या मसले हैं कंगन के? और जो मेन मसला है यहाँ पे सबसे बड़ा, तो सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये नाला सिंध यहाँ से गुजर रहा है। इस नाला सिंध में लोग जो थे वो अपना रोज़गार चलाते थे, उसको भी बंद किया। और सबसे बड़ा मतलब जो पावर है, तो बिजली फी जो थी 103 रुपये हुआ करती थी, और उससे लेकर आज इन्होंने कर दी है लगभग 650। और जो गरीब शख्स है तो सर उसके लिए तो ये, क्योंकि 500 रुपये वो दिन का कमाता है, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा मसला। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है सर, पानी तक इन्होंने सर जो है वो भी बढ़ा दिया गया। जो एलजी की गवर्नमेंट है, इसने सर यहाँ पे बहुत ही, और बेरोज़गारी तो अरूज पे, इसके यानी कि ये वोट तब्दीली की, बिल्कुल तब्दीली की है सर। आपका नाम? मेरा नाम सर मुश्ताक अहमद चारा जी। तो यहाँ पे जब तक मियाँ साहब की हुकूमत थी तो बहुत अच्छा रहा। 2014 के बाद, उनके बाद हुकूमत के बाद यहाँ काम नहीं अच्छा रहा। जब से यूटी लगी है सर, तो तब से हमारा सत्यानाश हो गया है। बिजली की फीस बढ़ गई है ज़्यादा, तो गरीब आदमी जो है वो इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता बिजली की फीस के हवाले से। बाकी भी देखें तो गरीब जो है मर रहा है सर। तो इंशाअल्लाह रहमान मियाँ साहब की हुकूमत आएगी तो हम भी उसी का सहारा लेते हैं। इंशाअल्लाह मियाँ साहब जीत जाएंगे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। बेरोज़गारी का मसला कितना है? बेरोज़गारी का मसला भी बहुत है सर, बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेगा, बेरोज़गारी बहुत है। बिजली फीस जो है ज़्यादा है, 1300 रुपया है सर। तो मजदूर की जो रेट है वो 500 रुपया है, तो क्या करेगा बेचारा। वोटिंग अच्छी हो रही है, इसके बारे में क्या? वोटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, जो भी पार्टी है हम अच्छे तरीके से यहाँ चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह तवक्का रखते हैं कि मियाँ साहब की हुकूमत आ जाएगी एनसी की, तो हमें सहारा मिल जाएगा। शुक्रिया सर। ये थे कांगन की ज़मीन से छून में। मैं इस वक्त मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माएँ, बहनें और बेटियां बड़ी तादाद में वोट डाल रही हैं। और यहां पे कांगन में नाले सिंध का जो मसला है, रेत का, जो लोकल्स को मिनरल राइट्स मिलने चाहिए, लोकल्स का जॉब इशू है, कांगन में गरीबी भी एक बड़ा मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मसला है, और मिनरल राइट्स लोग चाहते हैं कि कांगन के की रेत, बाजरी जो भी निकलता है दरिया से, उस पे लोकल पॉपुलेशन के राइट्स हो, ये कांगन का सबसे बड़ा मसला है। मैं रमीज़ मखदूमी, बस बाइट्स इलेक्शन कारवान के साथ।